That report from our correspondent, Mohammad Ahmad Kazmi. Democracy obviously has a long, long way to go in Kuwait. Now to our home section, India Camp. The detainees were arrested during the US-led war in Afghanistan, launched after the September 11 terror attacks. The tape also urged Muslims everywhere to avenge the imprisonment of the detainees. Iraq mein Amerikiyon ne ek antrim governing council ka gathan kiya hai. Is governing council ka ek bahut ahem hissa hai Supreme Council for Islamic Revolution in Iraq, ya jise hum Skiri ke naam se jante hain. Saddam Hussein ke zamane mein Skiri ka sara kaamkaaj Iran se hota tha. Skiri ke sare neta, Skiri ke bahut sare followers Iran mein raha karte the. Lekin ab wo sabhi wapas laut aaye hain aur Iraq ki satta mein apna bada hissa chahte hain. Hamare samvaddata Mohammad Ahmad Kazmi ne Skiri ke neta Ayatollah Mohammad Baqar Al-Hakeem se baat cheet ki. Dekhte hain. आज हम बात करते हैं इराक में शिया समुदाय के बड़े धर्मगुरु आयतुल्ला सैयद मोहम्मद बाकर अल हकीम से. वे न केवल सुप्रीम काउंसिल ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशन इन इराक के मुखिया हैं, बल्कि वे विश्व भर में शिया समुदाय के एक बड़े धर्मगुरु भी हैं. वर्ल्ड व्यू इंडिया में आपका स्वागत है. इराक में अमेरिका ने एक 25 सदस्यीय इंटरिम गवर्निंग काउंसिल की घोषणा की है. आप इससे कितने संतुष्ट हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व असहाबिहि अलमुंतजबीन في سؤالكم جاء بان الامريكان هم الذي اعلنوا आपने अमेरिका द्वारा प्रस्तावित जिस गवर्निंग काउंसिल की बात कही है, अभी मुझे इसके बारे में पूर्ण रूप से मालूम नहीं है और मुझे उस पर विश्वास भी नहीं है. जहां तक उससे संतुष्ट या असंतुष्ट होने की बात है, तो काउंसिल वही होगी जो इराकियों द्वारा गठित की जाएगी. वास्तविकता यह है कि वह काउंसिल इराकियों द्वारा ही गठित की गई है. जहां तक इस काउंसिल से संतुष्ट और असंतुष्ट होने का प्रश्न है, तो ये अभी देखना पड़ेगा. हमें इंतजार करना चाहिए. अभी काउंसिल को अपना काम करना है. उसके सामने बहुत सी समस्याएं भी हैं जिनसे उबरने में अभी समय लगेगा. कुछ लोगों का मानना है कि इस इंटरिम गवर्निंग काउंसिल में कई सदस्य अमेरिका के समर्थक हैं. आप इस पर क्या कहते हैं? ये प्रश्न ठीक नहीं है. काउंसिल का नेतृत्व इराकियों द्वारा किया जा रहा है. मेरे पास सारे सदस्यों के नाम तो नहीं है. उनमें से कुछ को मैं जानता हूँ. वे बहुत अच्छे लोग हैं और उनका समाज में बहुत ऊंचा स्थान है. इराक युद्ध समाप्त होने के बाद अधिकतर शिया बहुल शहरों में शांति थी, लेकिन इसी नजफ शहर में अब हालात बदल रहे हैं और अमरीका का विरोध बढ़ रहा है. इसके क्या कारण हैं? موقف الامريكان هو الذي احيانا يكون سبب لوجود ردود الفعل الغاضبه لدى ابناء الشعب العراقي. इसका वास्तविक कारण अमेरिकी सेनाओं की मौजूदगी है. वो समझते हैं कि अमेरिकी सेना इस प्रकार कार्य कर रही है जैसे उसने किसी देश को अपना गुलाम बना लिया है. जाहिर है ऐसी स्थिति में वे अमेरिकी सेना से सहयोग नहीं करेंगे. मैं समझता हूं कि ये मामला अमेरिकी सेना द्वारा किए जा रहे व्यवहार से जुड़ा हुआ है. वो समझते हैं कि अमरीकी सेना इराकियों को अपनी पसंद की व्यवस्था लाने में बाधा डाल रही है. इसके अलावा पिछली व्यवस्था की बहुत सी खराबियां अभी मौजूद हैं. अभी बड़ी समस्याएं हैं. जंग के बाद की समस्याएं भी कम नहीं होती. هذه هي مشكلات متعددة لكن أهم هذه المشكلات هي وجود القوات الاحتلال التي تمنع من القيام العراقيين بمثل هذا العمل. آپ عراق میں ایک بڑے نیتا ہیں. آپ اس دیش میں کیسی سرکار چاہتے ہیں؟ لا شك أن النظام اس میں کوئی سندے نہیں ہے کہ ہم عراق میں ایسی ویوستہ چاہتے ہیں جو اسلام کا آدر کرے، عراقی جنتا کی امنگوں اور ان کی اچھاؤں کے انسار کام کرے. بہت بہت شکریہ. That was our correspondent Ahmad Kazmi talking to Ayatollah Baqar Al-Hakeem. We stay on in Iraq, potentially still one of the most dangerous places on earth.